व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बड़े ही दिनों बाद, कुछ ज़्यादा ही दिनों बाद खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। यस गाइस, मेरे को पता है माइनक्राफ्ट की डिमांड मेरे चैनल पर ज़्यादा ही रहती है और उसके व्यूज़ देख के मुझे तो लगता है कि आपको माइनक्राफ्ट ज़्यादा चाहिए। फिलहाल आजकल तो मैं रोब्लॉक्स और इंडिया ड्रैगन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था, पर मैंने सोचा चलो यार माइनक्राफ्ट पर ही थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो आज है माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल #4। तो आज का हमारा मेन मोटिव है कि हमारे को बनाना है एक घर। यस, और अब आप पूछोगे कि भाई वापस से तेरा सामान कहाँ गया, तो मैंने वो सामान वापस से खो दिया। हाँ, मेरे को पता है कमेंट में बहुत सारे लोग मुझे बुद्धू लिखने वाले हैं। निकलो भाई, निकलो निकलो, बच्चे को दर्द आप क्या समझो। नहीं, शाहरुख की एक्टिंग बड़ी घटिया कर रहा हूँ मैं। चलो, लेकिन तब भी अपन लोगों को यहाँ पे एक वुड का पेड़ मिल गया। वैसे तो पेड़ तो सारे वुड के होते हैं, तब भी लेट्स नो ब्रो कंटिन्यू ट्रायल। मैं पॉकेट एडिशन खेलता हूँ, जावा एडिशन की मेरी औकात नहीं है, है ना। तो आज हम लोगों को घर बनाना है, ये मोटिव है। और मुझे इतना तो आज याद ही है कि आज मेरे चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं पूरे 10K व्यूज। नहीं, मजाक करो, सॉरी, ये करवा दो 10K व्यूज़ यार, थोड़ी वीडियो मेरी देख लिया करो। पता नहीं क्यों नहीं देखते आप लोगों को, क्या दुश्मनी मेरे से। चलो एनीवेज, हम लोग अभी तो ये वुडन को तोड़ते हैं और बनाते हैं अपने लिए वुडन प्लैंक्स। ओके, तो पहले तोड़ता हूँ ये सारे वुडन प्लैंक्स, मेरे पास आ गए। लेट्स गो एंड क्रिएट। ओ 16 मेरे पास पहले से है, चार इसके ले लो, चार 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 चार। अब बोले भाई तूने वुड लिया और इसका अब क्या करेगा, क्या करूँ क्या क्या करूँगा। समझ जाओ, खाली इधर ढूंढने दो, पहले तो मेरे को कोई अच्छा सा जहाँ मेरा घर अच्छा बन सके, है ना। और इस 16 ब्लॉक में मैं मेरा क्या घर बना लूँगा, इसलिए मेरे को थोड़ी डर्ट भी चाहिए। ऑब्वियसली बात है यार, माइनक्राफ्ट का वेब माइनक्राफ्ट नया नया खेलना चालू किया हूँ और मैं अभी उतना अच्छा डायमंड का घर भी नहीं बना सकता, है ना। जैसे टेक्नो गेमर भाई बनाते हैं, अपने मिडपैट भाई बनाते हैं, वो उनके जैसा तो बना नहीं सकता। हाँ, लेकिन मैंने बीच बॉय भाई से बड़ी इंस्पिरेशन लेके माइनक्राफ्ट खेलना चालू किया है। आज मैं बड़े लेम जोक्स मार रहा हूँ, बड़े घटिया जोक्स मार रहा हूँ आज मैं। मेरे जोक्स में दुनिया में सबसे लेम जोक है। ओके सॉरी, एनीवेज, हम लोगों ने अभी डर्ट को खोद लिया है और भी खोदेंगे और इससे हम लोग निकालेंगे डर्ट से घर। नहीं, मतलब इस डर्ट को खोद के हम लोग बनाएंगे घर। और मैं ये स्क्वायर शेप में इसलिए खोद रहा हूँ बिकॉज यार मेरा अच्छा लगता है बिल्कुल, यू नो, ऐसा पूरा डिजाइन ही बिगाड़ दिया भाई साहब। बात नहीं, अभी तो अपन लोगों को ये लेना है, फटाफट ये लेते हैं एंड गेम हैंग हो गया। किस्मत किस्मत है बाबू भैया, किस्मत। कोई बात नहीं, चलो 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 चलो। अभी अपन लोगों को क्या करना है, खाली एरिया ढूंढना है और वहाँ अपन लोगों को बनाना है अपना न्यू घर। और न्यू घर बना के हम लोग वहाँ करेंगे मौज मस्ती, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे उस घर में, थोड़ा मतलब हम लोग काम करेंगे अपना मस्त मस्त। ये एरिया आई थिंक इट इज ए गुड एरिया, यू नो, ऐसे फ्लैट एरिया, आई लव फ्लैट एरियाज। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर हाउस। जय श्री गणेश भगवान की जय। हाँ, पहले हर काम जो शुरुआत करते हैं तो हम लोग भगवान का नाम लेते हैं जिससे वो काम आगे अच्छा रहे, है ना, आगे उस काम को कोई बिगाड़ ना पाए, है ना। सो लेट्स गो, ये हमारे यहाँ का मतलब आगे की चीज़ है। और अब यहाँ पे गाइस मेरा एक फ़ोन आ रहा है, इम्पोर्टेंट है ना मम्मा का, तो जब तक मैं आपको मिलता हूँ बाद में। 2000 years later। सो मैं वापस गेम में आ चुका हूँ और भगवान कसम तो क्या ही खाऊँ अब मैं, रात हो गई। मेरी किस्मत है बेकार, इसमें लिखे हैं मेरे डंडे चार, हे भगवान क्यों करता है तू मेरे साथ ऐसा। हे भगवान हरि राम कृष्ण जगरदाथम प्रेम आनंदी, ये क्या हुआ, ब्लॉक्स भी खत्म हो गया मेरा और अब मैं क्या कहूँगा। सीधी सी बात है, जो भी से पिटूंगा ही। हे भगवान
गाना तो चले, भगवान भगवान है कहाँ रे तू, हे हरियाम है कहाँ रे तू, मेरे लिए तू ही सहारा है ना कोई और बिहारी, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम बोलने का मन कर रहा है मेरा, क्योंकि आज जो होने वाला है ना मेरे साथ, उसको कहेंगे लोग प्यार से मौत का खेल। तो मौत का खेल तैयार, तैयार है भाई मौत का खेल मेरे लिए आज। और ये लास्ट वुडन ब्लॉक का सलाह ये भी खत्म हो गया, हट हट जल्द बढ़ाया, खुद को ज्यादा समझ रहा है। ओए हम लोग इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते क्या, क्यों इसके ऊपर से तो, अरे यार ये और ट्राइडेंट फेंक रहा है, पता नहीं इसका नाम भूल गया मैं, कैसे उगड़ा था, और तेरी और मम्मी रे, हाँ प्लेन बाय ड्राउंडेड, ड्राउंडेड है इसका नाम, इसको ही ड्राउंडेड कर दूंगा मैं, मुझे मारता है यार, मुझे लग रहा ही था कि मैं जब माइनक्राफ्ट में आता हूँ ना तो इस बुरी किस्मत लेके आता हूँ, और वो बुरी किस्मत ना मेरे साथ ही आती है, रोब्लॉक्स में तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और डेवर ट्रांजिशन में तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्यों ये माइनक्राफ्ट में होता है मेरे साथ, हाँ ये दायित्व साफ ही है, चलो हम लोग तो वापस आते हैं, क्या मैं फालतू की बकवास करने में लग रहा हूँ, कहाँ स्पॉन हो गया ये मैं, नीचे धरती नहीं है ना ही ऊपर आसमान, हो आ गया, अच्छा है भगवान ने दिया मुझे एक बड़ा ही छोटा सा रास्ता है, लेट्स गो। और अब अपन लोग आते हैं यहाँ पर, जिससे अपन लोग यहाँ पे अपनी एक रात गुजारे और हमारे अपने आप को बचावे, किस्मत हमें तो यहाँ आ पाएगा, ओ माय गॉड तुरुला, आज फुल मून है क्या, डोंट से आज फुल मून है, ओ यस गाइस मैंने देखा था जब फुल मून होता है तो ऐसे ज़ॉम्बीज स्पॉन होते हैं एंड ऐसी चीजें होती है, और माइनक्राफ्ट में तब बहुत हॉरर चीजें होती है, एंड नाउ वही हो रहा है जैसा मैंने वहां देखा था, बिल्कुल ही मतलब सेम हो रहा है, आज है फुल मून, आप ऊपर देख ही पा रहे हो, ये देखो फुल मून, एंड आज सादे ज़ॉम्बी को अभी देख ही रहे हो, सर पे गोल्डन चेस्ट प्लेट लगा के आया वो है ना, गोल्डन हेलमेट सॉरी है ना, और अब अगर यहाँ पे ऐसा है तो क्या इस मून में से कोई पावर भी निकलती है, मतलब जैसे कोई मॉन्स्टर लोग होते हैं ना आते रात के अंधेरे में, सुनसान अंधेरे में, क्या मतलब इसमें भी वो आएंगे खतरनाक वाले, गाइस देखो अब मेरे को इतना कुछ तो नहीं पता कि ये क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, पर इतना जरूर पता है ना कि माइनक्राफ्ट का शुरुआत से बड़ा हॉरर गेम है यार, और ये मैं फालतू जोक तब तक करूंगा जब तक सुबह नहीं होती है ना, क्या यार चांद देख के डर लग रहा है मुझे तो, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे को गेम खेलते डर लग रहा है भाई साहब, एक तो गाइस इस समय मैं रूम में ना थोड़ा अकेला हूँ है ना, थोड़ा नहीं एक्चुअली पूरा अकेला हूँ, और नाउ आई एम लिटरल स्कैर्ड ब्रो है ना, सो अब मुझे एक ही काम करना है और वो है यहाँ पे खड़ा रहो, आपको क्या लगा मैं यहाँ से भागूंगा, नहीं मैं किसी से डरता नहीं बल्कि सबसे डरता हूँ, एक बार मैं थोपड़ा दिखा, ओए थोपड़ा भी नहीं दिखाएगा गंदे बच्चे, ना दिखा थोपड़ा मेरे को क्या, रुको यार, हे मेरे को देखो मुझे पकड़ो टॉइंज कोई आती फिलहाल जब तक ये सुबह हो रही है तब तक मैं क्या करूँ, कुछ नहीं ऐसी फालतू जोक मारता हूँ, और हाँ आप लोग को अगर आपको पता होगा कि आपके इस समय बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, सो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में चाहिए फुल में से फुल नंबर तो लाइक करना, नहीं तो
फिर अगले दिन आपका क्या होने वाला है मैं वो बता नहीं सकता, फुल नंबर आ गया फिर सॉरी है ना। तो लाइक कर देना भाई जल्दी जल्दी से, उसका पार्ट 5 भी मैं लाइक सब्सक्राइब पे ही लाऊंगा। आज का हम लोग गेम गोल रखते हैं 5 लाइक्स का, ओके 5 लाइक आप लोग कर सकते हो गाइस, मेरी हर वीडियो पे 20 व्यूज आते हैं इसके, तो 5 लाइक्स तो इस नाउ इजी ब्रो कर देना हाँ, तभी मैं इसका पार्ट 5 लाऊंगा जल्दी से जल्दी विदाउट लेट एनी टाइम। सो अब मून को गया, अच्छा वाय वाय मेरे को लगा मून ही गायब हो गया, मून कैसे गायब होगा। पर अगर माइनक्राफ्ट सच्ची में ऐसा हॉरर चीज हो रहा है ना तो मैं कोई गेम से नहीं भागने वाला, मैं तो उल्टा उस हॉरर चीज को एंजॉय करूंगा भाई सच्ची। अब मुझे कुछ डर तो लगता नहीं है हॉरर चीजों से है ना, बहुत अलग है कि रात में कोई हॉरर साउंड बजा दे तो फट जाती है मेरी, सूसू कर देता हूँ मैं पैंट में को जाती। ओके सो 6 मिनट हमने फालतू के इसमें गुजार दिए है और मेरा कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में, तो मैं जा रहा हूँ मरने, तो क्या ही मरने जाऊँ क्या होता है ब्रो। ये क्रीपर लोग मेरे को मारने क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको मैं दिख नहीं रहा क्या। अभी जॉबी गैंग अगर आते थोड़ी देर पहले देखा हो तो मारने नहीं आ रहा था मुझे, और वो स्केलेटन जस्ट उधर ही खड़ा हुआ है और उसने भी मुझे नहीं मारा ब्रो, आई डोंट नो क्या हो रहा है मेरे साथ है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सुबह जल्दी हो जाए तो हो जाएगी क्या, कोई बात नहीं यार शेट ब्रो शेट, मैं इसके पास जाके देखूं। ओए चिच्चे मार मुझे मार, और शेट ये तो सच्ची मार रहा है, ऐसा मजाक कर रहा था मैं तो। अरे यार और मम्मी रे तेरी भी गलत, इतना कुछ ज्यादा तीस बार खाद समझ रहा है तू है, क्रीपर के बच्चे फाड़ कर कच्चे खत्म। ओके सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने आपको बोला है कि 5 लाइक कर दो तो मैं उसका पार्ट 5 जल्दी से जल्दी लाऊंगा। लेकिन अगर 5 लाइक आज के आज हो गए ना तो उसका पार्ट 5 ना कल ले आऊंगा, मजाक नहीं कर रहा, 5 लाइक कर देना कल का पार्ट में और मजेदार बनाऊंगा, इससे भी कतई ज़्यादा मजेदार, और उसमें मैं पूरी डाइट सर्वाइव करूंगा। हम लगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मेरी मम्मा का फोन आ रहा था, तब तक ले बाय।